पाकिस्तान बचाओ मार्च तहरीक लबैक पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त लाड़काना की सरजमीन पर पहुंच चुका है। हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम रात के इस पिछले पैर में हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाथ उठा उठा के अर्ज पेश कर रहे हैं कि यार सलाम आपके लिए आते हैं। पाकिस्तान को बने हुए आज 75 साल गुजर गए। मुल्क पाकिस्तान जो सिर्फ और सिर्फ कलमे की बुनियाद पर बना है और यूं प्लेट में रखकर हमें कसरी नहीं दे दिया, लाखों शहादतें हुई, हजारों इज्जतें रुकी और करोड़ों लोग बेघर हुए। इतनी शहादतों के बाद, इतनी परेशानियों के बाद, इतने लड़वाने के बाद मुल्क पाकिस्तान ना पीपल पार्टी की हुकूमत के लिए बना है, मुल्क पाकिस्तान ना नून लीग ना पीटीआई ना काफी की हुकूमत के लिए बना है, ना पीएसपी ना एमपीएम की हुकूमत के लिए बना है, मुल्क पाकिस्तान बना के लिए। और हम ना किसी बगावत के साथ खड़े हैं, ना किसी सरदारी के साथ खड़े हैं, ना किसी भुट्टो के साथ खड़े हैं, ना अयूब खान के साथ खड़े हैं, ना जियाउल हक के साथ खड़े हैं, ना हम नवाज शरीफ के साथ हैं, ना शहबाज शरीफ के साथ हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आका दो जहां के साथ हैं। ना नून लीग का बड़ा है, ना काफी का बड़ा है, ना पीटीआई का बड़ा है, ना हमने बिलावल का कलमा पढ़ा है, ना हमने सरदारी का कलमा पढ़ा है, हमने कलमा ही हुजूर अल्लाह का पढ़ा हुआ है। जब हमने कलमा हुजूर अल्लाह का पढ़ा है तो मुल्क पाकिस्तान में हम हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को तख्त पर लाने के लिए मैदान अमल में आ गए। और लब्बैक का माना यह है कि या रसूल अल्लाह, एक वक्त पर लब्बैक कहने का मतलब यह है कि या रसूल अल्लाह मैं आपके लिए पूरी जिंदगी आ गया हूँ, और दो वक्त पर लब्बैक कहने का माना यह है या रसूल अल्लाह मैं आपके लिए पूरी जिंदगी भी आ गया हूँ, कब्र भी आ गया हूँ, और तीन बार लब्बैक कहने का माना यह है या रसूल अल्लाह मैं आपके लिए दुनिया में भी आ गया हूँ, कब्र में भी आ गया हूँ, और मैदान माशर में भी आ गया हूँ। Yeah, bye.
कब्र में ना किसी दरदारी ने आना है, ना किसी बराबर ने आना है, ना शहबाज शरीफ ने आना है, ना नवाज शरीफ ने आना है, ना इमरान खान ने आना है। उस बेचारे की तो हर वैसी छुट्टी हो गई है। कब्र में आना ही उनकी सामने है। और फरिश्तों ने पूछा है कि वहां बैठकर कभी नाई के मान पे, कभी किसी दुकान पर, कभी आइसक्रीम की दुकान पर, कभी किसी दुकान पर, तू वहां तो बातें करता था कि ये कहां से लोग आ गए, ये नारा नया आ गया, अब ये क्या चाहते हैं। मौलवियों को कोई सीट देगा भी, मौलवियों को वोट लेंगे भी, इनको गोबर कौन करने लेगा। वहां तो बैठक बातें करता था और कब्र में फरिश्ते पूछेंगे, वहां तो बैठ के बड़ी बड़ी बातें करता था, दीन के खिलाफ बकवास करता था, कहीं के रैपेन के खिलाफ बकवास करता था। अब बता माँ बनता तो दूर भी हकी हार जल, अब बता तू दुनिया में इस हस्ती के बारे क्या कहता रहता था। और कब्र में जब फरिश्ते पूछेंगे क्या पता तू दुनिया में इस हस्ती के बारे क्या कहता रहता था, वहां तो पीपल पार्टी वाले भी खामोश होंगे, नून लीग वाले भी खामोश होंगे, काफ लीग वाले भी खामोश होंगे, पीएसपी वाले भी खामोश होंगे, एमक्यूएम वाले भी खामोश होंगे। और वहां अगर फरिश्तों को जवाब देंगे तो नूर के गुलाम बन करेंगे, या रसूल अल्लाह जिंदगी सारी लाड़काना में भी, पूरे सिंध में भी, कराची में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, किसी मैयत पर भी, जनाजे पर भी, वलीमे पर भी, शादी पर भी, हम सुबह शाम यही करते रहे हैं। फरमाने के बाद दोबारा आठवें साल फतह मक्का के लिए हुजूर वापस आ गए, फिर पूरा मक्का फतह हो गया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह तआला वाली को विजयों का ऐलान फरमा दिया। एक वक्त वो भी आ रहा है, इस्लाम की फिर हुकूमत हो गई। आज 75 साल गुजर गए, लेकिन जब भी कोई पार्टी आई, सरकार इख्तदार आई, हर पार्टी का ताल्लुक, हर पार्टी का मकसद आलमी कुफर की गुलामी है। पीपल पार्टी हो, काफ लीग हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, पीएसपी हो, एमकेएम हो, हर पार्टी का मकसद आलमी कुफर की गुलामी है। और कहीं के लिए पाकिस्तान का मकसद ना अमेरिका की गुलामी है, ना रूस की गुलामी है, कहीं के लिए पाकिस्तान का मकसद सिर्फ और सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन को मत फरमाना है। तीन बार मोर बनाते हुए पूरे पाकिस्तान में बलावल भुट्टो जरदारी नहीं देख रहा होगा, शेर पर मोर बनाते हुए नवाज शरीफ शहबाज शरीफ नहीं देख रहे होंगे, पल्ले पर मोर बनाते हुए पीटीआई वाले को नहीं देख रहा होगा, लेकिन करेंट पर मोर बनाते हुए ताजदारे मदीना देख रहे होंगे। ये उम्मती कलमा पढ़ने के बाद मेरा ये उम्मती तीर पर मोर लगा के, शेर पर मोर लगा के मुझसे गद्दारी नहीं कर रहा, बल्कि क्रेन पे मोर लगा के मुझसे वफादारी का सबूत दे रहा हूं। और इस वक्त हालिया गुस्ताखियों के खिलाफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे के खिलाफ, इस महंगाई के तूफान के खिलाफ, कराची से पाकिस्तान बचाओ मार्च जो आपके यहाँ पहुंचा है, इस्लामाबाद जाने के लिए और
गवा गवा है। हम लोगों की तो कानून के तहत भी मैदान में सत्रह रिपोर्ट के तहत के लिए भी मैदान में है, चाहे लाशें उठानी पड़े। हमें उनकी इज्जत और नमूद कर मेरा दिल लाशें उठाकर भी हमने सदन में रिपोर्ट के ताफत के लिए करा देना है। ये सब कुछ हम मूल की इज्जत और नमूद के लिए भी आते हैं और कौम के साथ खड़े और महंगाई के किसान को कम करवाने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ये पाकिस्तान बचाओ बात ये बता रहा है कि हम नामू के रिसाल के ताफत के लिए मैदान में है, खत्म नबूत के ताफत के लिए मैदान में है और कौम के साथ मैदान में। तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज़ी कायदीन के वीडियो बयानात और मज़ीद नई अपडेट हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके।